हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल है और हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जर करियर चिकित्सक में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आऊँ UPSSSC का PCS लोअर सबॉर्डिनेट का एग्जाम। सीधे एग्जाम सेंटर से पहली और सेकंड शिफ्ट के सारे 100 से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये फर्स्ट पार्ट में 30 सितंबर के क्वेश्चन मैं आपके लिए ला रहा हूँ। आज 1 अक्टूबर शाम तक आपको दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आपके क्वेश्चन की। VVPAT की फुल फॉर्म पूछी गई थी, आपने देखा होगा वोटर की एक वेरीफाइड पर्ची निकलती है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई इस बार वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रे। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रे। भारत की जीडीपी दर पूछी गई, पहली बार ये 5% रह गई है जुलाई 2019 में। जुलाई 2016 में ये 8.7% थी, बड़ी घटी। और एक बार 6 भी रह गई थी जुलाई 2017 में, लेकिन इस समय 5 के आसपास चल रही है। तो ये ऑप्शन के आधार पे था, मुझे नहीं पता, ऑप्शन नहीं दे पाए बच्चे। जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता दूं 9837282318, ये हमारा मोबाइल नंबर है। अगर आप आज का पेपर दे रहे हैं तो इस पे कॉल करके आप अपने क्वेश्चंस बता सकते हैं, हम उनके आंसर कोशिश करेंगे सही से सही देने की, और आपका नाम भी शाउट आउट करेंगे जो हम 1 अक्टूबर को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन बताएंगे। तो जीडीपी दर इस समय 5% है भारत की। हमारे प्रेजेंट टाइम के कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कृषि मंत्री हैं, और हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी। और मैं आपको बता दूं, अभी 2 लोगों की डेथ हो गई थी, सुषमा स्वराज की जो हमारी विदेश मंत्री रह चुकी हैं, और प्रेजेंट टाइम में विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, और पिछली बार गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे, और एक और डेथ हो गई थी वित्त मंत्री अरुण जेटली जी की, और प्रेजेंट टाइम में वित्त मंत्री हैं हमारी निर्मला सीतारामन, और पीयूष गोयल जी रेल मंत्री हैं। ये मेन मेन मंत्री मैंने आपको बताए हैं। मंत्रिमंडल जरूर एक बार देख के जाइएगा, कोई ना कोई मंत्री इनमें से फंस सकता है आपके, मतलब फंस सकता का मतलब क्वेश्चन आ सकता है। CISF के नए चीफ कौन है? राजेश रंजन CISF के नए चीफ बनाए गए हैं। इस वाली वीडियो में मैंने आपके लिए करंट अफेयर्स लिए और साइंस के क्वेश्चन लिए हैं। इससे अगली वीडियो में मैं हिंदी और ट्रेडिशनल जीके के क्वेश्चन लूंगा, तो इसके सेकंड पार्ट को जरूर देखेगा और अंत तक इस वीडियो को देखेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यूट्यूब चैनल ए टू जेड करियर जीके ट्रिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दें व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में। G7 का सम्मेलन कहां किया गया था? देखिए, ब्राजील में नहीं किया गया था, कुछ बच्चों ने ब्राजील बताया, ये फ्रांस में किया गया था, ये याद रखिएगा। G7 का जो लास्ट सम्मेलन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें भाग लेने गए थे, और ये फ्रांस में किया गया था, ब्राजील भी ऑप्शन था। फ्रांस के बियारिट्स में ये सम्मेलन हुआ, 1975 में पहला सम्मेलन हुआ था पेरिस में। जर्मनी की प्रेजेंट टाइम की चांसलर कौन है? 2005 से लगातार ये चांसलर है, 14 साल इनको हो चुके हैं, एंजेला मार्केल जर्मनी की चांसलर है, हाईएस्ट पोस्ट होती है। छत्तीसगढ़ की प्रेजेंट टाइम की राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके हैं, और जितनी भी महिला राज्यपाल हैं वो आप याद करके जाइएगा। महिला राज्यपाल में बेबी रानी मौर्या उत्तराखंड की है, ये आपको पता होगा, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी डाल चुका हूं। और उत्तर प्रदेश की 70 साल बाद पहली महिला राज्यपाल बनी है आनंदीबेन पटेल, ये भी मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में। यूनाइटेड प्रोविंस की सरोजनी नायडू हुआ करती थी, और पहली भारत की राज्यपाल भी वही थी। फाइनेंस सेक्रेटरी वित्त सचिव है राजीव कुमार, और इनके सिग्नेचर होते हैं 1 रुपए के नोट पे, ये भारत सरकार के वित्त सचिव होते हैं, वित्त सचिव के सिग्नेचर 1 रुपए के नोट पे होते हैं, बाकी नोट पे RBI के गवर्नर के होते हैं। शक्तिकांत दास RBI के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। 7वीं लोकसभा प्रेजेंट टाइम में चल रही है, 17th लोकसभा। गोल्डन हैंडशेक स्कीम का मतलब होता है अर्ली रिटायरमेंट, अगर आप रिटायरमेंट लें तो इस स्कीम को बोला जाता है गोल्डन हैंडशेक स्कीम। म्यूर गुड कहां का है? केरला का है, इसे GI टैग मिला है, तो GI टैग वाले सवाल जरूर देख के जाइएगा, किस किस को मिला है। अल्फांसो आम को मिला था, और एक गुड़िया को मिला था, राजस्थानी गुड़िया को जो कठपुतली वाली है उसे भी GI टैग हाल ही में मिला था। मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड 2019 मिला है ओमान की लेखिका जोखा अल हार्थी को सेलेस्टियल बॉडी के लिए, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। प्रेजेंट टाइम में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या है? जैसे पहले इसमें 1% का अंतर होता था, लेकिन इस टाइम 0.25 बेसिस का ही अंतर है। रेपो रेट
5.15 है और रिवर्स रेपो रेट 5.40 है। ये वो रेट होते हैं, रेपो रेट होती है जिस पे आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है, और आरबीआई बैंकों से जिस रेट पर कर्ज देगा 5.4 पर रिवर्स रेपो रेट, और बैंकों का पैसा जब आरबीआई रखता है तो उन्हें कम रेट पे यानी रेपो रेट पे पैसा देता। जीआई टैग राजस्थान की गुड़िया को भी मिला है, ये मैं आपको बता चुका हूं। फीफा की भारत की रैंकिंग 104 है और पहले स्थान पर बेल्जियम, दूसरे पे फ्रांस, तीसरे पे ब्राजील है। बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक मिल गया था, तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया, पहला बैंक स्टेट बैंक है और दूसरा पीएनबी है। यूनाइटेड अरब अमीरात का हाइएस्ट ओनर मिला है नरेंद्र मोदी जी को, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। ई लर्निंग में पहला स्थान मिला है तेलंगाना राज्य को, और यह सेकेंड ईयर है, दूसरे लगातार वर्ष है कि तेलंगाना को ई लर्निंग का प्राइज मिला है। फीफा रैंकिंग में पहला बेल्जियम, दूसरा फ्रांस, तीसरी ब्राजील है। न्यू जैन मोबिलिटी सम्मेलन मानसेर गुरुग्राम में हुआ, हरियाणा में, मानसेर एनसीआर रीजन में आता है। राजनाथ सिंह जी के विरुद्ध सपा की प्रत्याशी खड़ी हुई थी पूनम सिन्हा, और प्रेजेंट टाइम के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, और तेजस में उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री है। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका 30वां सदस्य देश बना है मैसीडोनिया। गौरी सावंत पहली ट्रांसजेंडर गुडविल एम्बेसडर है, जो महाराष्ट्र चुनाव के दौरान चुनाव आयुक्त ने बनाई थी। इंसुलिन ग्लूकोज और शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है, बीटा सेल और अल्फा सेल से निकलने वाला, पेंक्रियास से निकलने वाला एक हार्मोन होता है। विटामिन के बारे में जरूर आ रहा है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है, और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है। जल में घुलनशील विटामिन ADE के है। अड़ा क्या, ये ट्रिक मैं दे चुका हूं, जीके ट्रिक्स आप देख के जाइएगा, एक यूपी की 15 डेज जीके क्लास मैंने डाली हुई है, उन वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। ये सारे केमिकल नेम बता देता हूं मैं आपको, इनमें से कोई ना कोई आज मिल जाएगा आपको। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल, डी का कैल्सिफिरोल, ई का टोकोफिरोल, के का फाइलोक्विनोन, B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का केमिकल नेम नियासिन, B5 का पेंटोथेनिक एसिड, B6 का पायरिडॉक्सिन, B7 का बायोटिन, B9 का फोलिक एसिड, B12 का साइनोकोबालामीन, और विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कोर्बिक एसिड। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से, रिकेट्स विटामिन डी की, रेटिनॉल या रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से, ई से बालों का गिरना, जनन अंगों का कमजोर होना और रक्त के थक्के जमना विटामिन के, ये सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था आज ही। अंगूर की खेती विटीकल्चर में होती है, सेरीकल्चर में सिल्क की खेती होती है, ये कल्चर सारे याद करके जाइएगा। फ्यूचर फ्यूल क्या है, आवारा तत्व से बोला जाता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन फ्यूचर फ्यूल होने वाला है। हार्ट की डिसीज कोरोलरी डिसीज, चार ऑप्शन दिए थे, उनमें से आपको ढूंढना था। ताजमहल जो पीले रंग का होता जा रहा है वो किस कारण होता जा रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण से। जो फैक्ट्रियां आगरा में ताजमहल के पास है उनको हटाने का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया है। फास्फोरस निम्न में सबसे ज्यादा किसमें मिलता है, कैल्शियम भी मिल्क में मिलता है और फास्फोरस भी मिल्क का सबसे बड़ा स्रोत है। खाद्यान्न संरक्षण में नमक का प्रयोग किया जाता है, यानी NaCl सोडियम क्लोराइड इसका फार्मूला होता है, साधारण नमक जो हम खाते हैं। आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है, हाइड्रोमीटर से। अल्ट्रावायलेट किस मंडल द्वारा रोकी जाती है, सूर्य की पराबैंगनी किरणें समताप मंडल से रोकी जाती हैं, जहां पे ओजोन लेयर उपस्थित होती है। तो क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, समताप मंडल में ही ओजोन लेयर होती है। टिन का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है, चाइना में होता है टिन का उत्पादन, और सबसे ज्यादा टिन का भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। हवा, पानी, मिट्टी में कौन सा कार्बनिक नहीं है, मिट्टी एक कार्बनिक एलिमेंट नहीं होगा। बल की इकाई क्या है, सभी को पता है न्यूटन, F=mA में आपने पढ़ा होगा। न्यूट्रॉन की संख्या और द्रव्यमान संख्या, यानी कि प्रोटॉन को आवश्यक ऊर्जा को बोलते हैं, नाभिक को बंधन बना के रखती है, वो बंधन ऊर्जा कहलाती है, ये याद रखिएगा। अल्फा विकिरण अवशेषी यंत्र के बारे में पूछा था। एक्सरे की खोज किसने की, रोंटजेन ने की। ऊष्मा मापक यंत्र क्या है, कैलोरी मीटर है। ईरान की कैपिटल पूछी गई थी तेहरान, कई बार आ चुकी है ये। अभ्यारण के बारे में एक पूरी की पूरी वीडियो मैंने डाली है, पक्षी विहार, वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश के, यूपी के
आपको 15 डेज स्टैटिक जी के क्लास में मेरे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे अगर आप मेरे चैनल पे। तो ये वीडियो से 4 या 5 क्वेश्चन लग रहे हैं। बारूद फैक्ट्री मुरादनगर में 1943 में स्थापित हुई थी, जिसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो ये वाला सवाल बड़ा आया था और ये मेरे घर के पास ही है, मैं गाजियाबाद में रहता हूं, कई बार मैं जा चुका हूं, देख चुका हूं इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को मुरादनगर में। आयुध निर्माणी फैक्ट्री बोला जाता है और बारूद फैक्ट्री इसकी हिंदी है। 5625 का वर्गमूल बोला था, पूछा था, और ये सिंपल सा क्वेश्चन था। 7 8 56 और 7 और 5 75, ये ट्रिक मैंने दी हुई है, आराम से आपने निकाल लिया होगा। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, डायरेक्शन के क्वेश्चन थे और डाइस के क्वेश्चन आए थे। क्रिकेट में एम्पायर होता है तो फुटबॉल में रेफरी होता है, ये एनालॉजी पूछी गई थी रीजनिंग में। इन चार में अलग क्या है? इन चार में अलग है 120, क्योंकि 120 तीन से कटता है, बाकी कोई भी तीन से नहीं कटता है। प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन आए हुए थे और ये मेरा प्रोफाइल है डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से अनअकैडमी पे, अनअकैडमी पे भी मेरी सारी वीडियो आपको फ्री मिल जाएंगी। तुरंत मेरे साथ जुड़िए और प्लेलिस्ट में जाके देखिए जो ट्रिक्स मैंने आपको ले दिए हैं, और स्पेशल ट्रिक्स सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। और ये चारों ऑप्शन आपको यहां मिल रहे हैं, यहां पर क्लिक कीजिए, ये वाली प्लेलिस्ट जरूर देख के जाइए, इन प्लेलिस्ट से आपको लाभ होने वाला है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ। विल मीट टुमारो विद ए न्यू